कि जो लोग जैसा कि अभी बात आई थी कि आरक्षण तो अभी खत्म होने जा रहा है और हमें आरक्षण मिला ही नहीं, तो ये आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? आपके आरक्षण का विरोध कौन करता है? आपसे यह कहा जाता है कि जाति के बेस पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? क्या मुसलमान कहता है इस बात को? क्या सिख कहता है इस बात को? क्या क्रिश्चियन कहता है? तो फिर कौन कहता है? आपके आरक्षण का विरोध वो लोग करते हैं जो इस देश में जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, जाति रहनी चाहिए, लेकिन जाति के बेस पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब हजारों साल से जाति के बेस पर वो मलाई खा रहे थे तब जाति बहुत अच्छी थी, और हमारे महापुरुषों की मेहरबानी से, उनके संघर्ष से, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, संत गाड़गे जी महाराज हो, उन्होंने प्रयास किया, उनके संगठन की वजह से जब जो दलित जातियां हैं उनको भी फायदा मिलने लगा, तो लोग कहने लगे कि अब जाति बेस पर आरक्षण होना चाहिए। ये जातियां बहुत खराब है, यानी अब जातियां खराब है। मैं आपको कहता हूं कि यदि आरक्षण खत्म करना है तो जातियों को खत्म करो। कोई भी आदमी अपने जाति अपने नाम के पीछे कोई समझ नहीं रहे, दो पीढ़ी के बाद में बच्चे भूल जाएंगे तो किस जाति के थे। लेकिन इस बात को नहीं चाहेंगे, इस बात को कौन नहीं चाहेगा? जिनको जाति के नाम से मलाई खाने को मिलती है, सम्मान मिलता है, जहां एक 10 साल के बच्चे को हमारा 60 साल का बच्चा नमस्ते करता है, वो नहीं चाहेगा कभी कि ये जाति के बेस पे यह कौन खत्म होना चाहिए। तो इस बात को समझने की जरूरत है, इसे कौन दूर करेगा? अभी जैसा की बात आई 2 अप्रैल की, 2 अप्रैल के का जो संघर्ष हुआ, आरक्षण विरोधियों को यह एहसास नहीं था कि आरक्षण समर्थक इतने मजबूत हुए हैं। और मैं इस बात को कहता हूं मंत्री दावे से, मंत्री बात से कहना चाहता हूं कि किसी माई के नाम हिम्मत नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर, किसी माई के नाम हिम्मत नहीं है जो संविधान बदल दे, क्योंकि लोग कहते हैं संविधान बदलने की, मैं कहता हूं संविधान तुम्हारे बाप ने बनाया, संविधान हमारे बाप ने बनाया, संविधान हमारे बाप ने बनाया था, हमारे बाप ने संविधान बनाया, और जिनके बाप ने हिम्मत नहीं थी संविधान बनाने की, वो लोग कहते हैं संविधान बनना चाहिए, ये संविधान ठीक है जी। लेकिन कमी कहां है? कमी यहां पर है कि संविधान बनाने वालों की औलाद इस बात को समझती नहीं है, और जो नारायण थे जो संविधान बना नहीं सकते थे उनकी औलाद कहते हैं संविधान बनना चाहिए। तो ये कमी हम लोगों की है, हमें समझना पड़ेगा, और इसीलिए अखिल भारतीय संत गाड़गे बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत है, क्योंकि जिस समाज का कोई संगठन नहीं होता वो समाज की कोई इज्जत नहीं होती, वो समाज में कोई दम नहीं होता, और जिस समाज का कोई नेता नहीं होता वो समाज के कोई दम नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हमें एक नेता चाहिए, ये नहीं है कि हम हजारों लोगों को अपना नेता माने, एक आदमी को नेता मान लो समाज में, एक आदमी को नेता मान लो समाज का कल्याण हो जाएगा, समाज में एक को गुरु मान लो समाज का कल्याण हो जाएगा। जिस समाज ने अपना गुरु बना लिया वो समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारे समाज में गुरु इतने महान है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनके के लिए बराक ओबामा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेल गेट पर लिखा है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब के बारे में लिखा है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, उन्होंने लिखा है कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में एक छात्र ऐसा पढ़ने आया जिसने भारत का संविधान किया। उन्होंने कहा हमें गर्व है कि इस विश्वविद्यालय में एक ऐसा छात्र पढ़ा, यदि कोई छात्र पढ़ा तो वो डॉक्टर अम्बेडकर था, और यदि कोई पहला छात्र था तो वो डॉक्टर अम्बेडकर था, और लास्ट छात्र था तो वो भी डॉक्टर अम्बेडकर था। इतना विद्वान हो गया जिसने भारत का संविधान लिखा, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। और हमारे संत गाड़गे महाराज उस महान विद्वान के भी गुरु थे, तो कितना बड़ा हमारे समाज को सम्मान मिला है हम नहीं समझते। अब जरूर इस बात की आती है कि हमारे यहाँ पर काफी साथी, सभी साथी, अभी एक सज्जन ने कहा कि यहाँ लोग कम है, मैं कहता हूँ लोग कम नहीं, यहाँ पर यहाँ लोग सभी भीड़ वाले लोग नहीं है, यहाँ पर लोग एक आदमी के साथ हजारों आदमी है, और हमारे साथियों को बोलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारी लोग ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी हो, यानी प्रदेश स्तरीय बैठक बने, और प्रदेश स्तरीय के साथ साथ जिला
विचार गोष्ठी हो हर राज्य में, तब जाकर के कहीं समाज में परिवर्तन आएगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि साथियों हमें अब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने 3 बड़े बड़े प्रोग्राम किए, दिल्ली में सिटी में प्रोग्राम किया, उसके बाद ग्वालियर में प्रभाग में प्रोग्राम किया, लखनऊ में माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और दिल्ली में भी इस तरह के 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं। ये मेरा मेरी राशि का कारण नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम सभी लोग माननीय भगवती प्रसाद सागर को अपना नेता मान करके और आगे